नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीएफ न्यूज। दिल्ली एनसीआर का कुख्यात गैंगस्टर मंजीत महाल, जिसके खिलाफ हत्या, डकैती और वसूली के कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल मंजीत महाल तो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन इसी मंजीत महाल गैंग का एक गैंगस्टर जो चंडीगढ़ से गिरफ्तार हुआ और उसकी तलाश पुलिस को पिछले 3 सालों से थी। दरअसल चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक भगोड़े 30,000 के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। उसकी पहचान विनीत गहलोत उर्फ विक्की मेट्रो के तौर पर हुई है। वो हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में भगोड़ा चल रहा था। हरियाणा और यूपी पुलिस का वांटेड भी है। उसके कब्जे से पुलिस ने कई हथियार बरामद किए हैं। विनीत उर्फ मेट्रो 3 साल से फरार चल रहा था। पुलिस विनीत को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में कहा है कि विनीत 29 जुलाई 2022 को सेक्टर 17 थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट केस में वांटेड था। उसने राकेश नाम के व्यक्ति को गैर कानूनी हथियार बेचे थे। राकेश को चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हाल ही में पकड़ा था। उससे जानकारी मिली थी कि गैंगस्टर विनीत को जीरकपुर से दबोचा गया। पुलिस ने यह भी कहा कि गैंगस्टर विनीत मंजीत महाल गैंग से संबंध रखता है। ये गैंग दिल्ली एनसीआर में हत्या, डकैती और वसूली के लिए कुख्यात है। विनीत का बड़ा भाई अशोक गहलोत भी खूंखार गैंगस्टर है और मंडोली जेल में मकोका के तहत बंद है। उसके खिलाफ करीब 18 हत्या, वसूली और आर्म्स एक्ट के मामले में केस दर्ज है। पंचकुला के सेक्टर 20 के एक शोरूम में डकैती की कोशिश के दौरान दीपक नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में विनीत फरार चल रहा था। इस घटना में मनोज नामक व्यक्ति को गोली लगी थी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बुलाकी की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में भी वो फरार था। घटना में महावीर फौजी नाम के व्यक्ति को गोलियां लगी थी। वो पुलिस को चकमा देकर 2 बार फरार हुआ। उसकी जगुआर कार की टक्कर हो गई थी। वो कार और पिस्टल मौके पर छोड़कर फरार हो गया था। उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ था। उसने चंडीगढ़ में गैर कानूनी हथियार भी एक मामले में सप्लाई किया था। गैंगस्टर विनीत के पास से जो हथियार बरामद हुए हैं उसमें .30 बोर पिस्टल और मैगजीन, .30 बोर का रिवॉल्वर, .30 बोर पिस्टल और मैगजीन दोनों, 12 बोर का देसी कट्टा, 315 बोर का देसी कट्टा और हाफ बैरल 12 बोर गन। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये किस नियत से चंडीगढ़ में जा रहा था। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।